स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ ओवर सेगमेंट ऑफ एथिकल इशूज एंड डेटा साइंस इस मॉड्यूल में हम एक जो रियल लाइफ केस स्टडी है एक ऐसी इंडस्ट्री की विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रादर क्रिटिकल इन मॉडर्न डे उसको हम डिस्कस करेंगे वो है बैंकिंग इंडस्ट्री क्योंकि बैंक आज के ज़माने में इन द लाइफ वी आर लिविंग या अगर हम ये देखें कि जो डेटा साइंस से रिलेटेड जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो बैंकिंग का रोल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बगैर आज अगर हम जिंदगी देखें तो दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बैंकिंग और हम क्योंकि हमारा जो स्कोप है दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा डेटा साइंस डेटा मैनेजमेंट डेटा गवर्नेंस तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले रहे हैं जिस जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत हद तक एप्लीकेबल है रादर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंसी बैंकिंग ऑपरेशन की डिपेंडेंसी हंड्रेड परसेंट जो है वो डेटा पे और डेटा के बगैर कोई बैंक काम नहीं कर सकता जस्ट इमेजन के आपने जब कोई बंदा अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है उस वक्त से लेके जब वो अपना अकाउंट क्लोज करवाता है या वो जब कोई उसको बुक इशू होती है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करता है वो एटीएम से पैसे निकलवाता है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है डेबिट कार्ड यूज़ करता है तो एवरी टाइम वन इज़ जनरेटिंग लॉट ऑफ डेटा एंड दैट डेटा इज बिंग स्टोर्ड इन डिफरेंट सिस्टम विद इन द बैंक राइट तो हम इसी एग्जाम्पल को स्टडी uh, करेंगे एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल वे हो एथिकल इशूज़ कैन यू नो इम्पैक्ट द डेटा साइंटिस्ट ऑफ द डेटा और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं वो भी हम अभी देखते हैं तो उनके किस तरह से आपका जो उन पर इम्पैक्ट हो सकता है अब डेटा एथिक्स विद इन बैंकिंग डेफिनेटली हमें ये पता है कि बैंक जो है इन एवरी कंट्री इवन इफ यू आर इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इन अ मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड बैंक जो है दे वर्क अंडर रेगुलेशन्स जो भी आपका स्टेट बैंक है सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक है वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके मुताबिक बैंक को काम करना पड़ता है वो कहते हैं जी आपने आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए आपके पास कोर बैंकिंग का सोलूशन होना चाहिए आपके पास एनालिटिक्स का सोलूशन होना चाहिए जो फिर हर बैंक की जो डिफरेंट सर्विसज़ होती हैं अकॉर्डिंगली उनके पास डिफरेंट सिस्टम होने चाहिए इंटरनेट बैंकिंग uh, आ गई मोबाइल बैंकिंग आ गई ब्रांचलेस बैंकिंग आ गई सो दे सो मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग जो कि आपके डेटा साइंस से रिलेटेड हैं देखिए जो मैं बात कर रहा था अभी कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं अब स्टेक होल्डर कौन है कि किसी भी चीज़ का वो उस बंदे को फायदा या नुकसान हो सकता है बैंक के अंदर किसी एक्टिविटी से पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसको उससे फ़ायदा होगा नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है तो उसका उसको उससे नुकसान हो सकता है तो कोर ऑफ दिस आर सेंटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक जो के बैंक के ओपनिंग से ले तो बैंक यू you नो know, पूरी लाइफ साइकिल में वो उसको मैनेज करती है दे रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने अगर स्टेट बैंक से अप्रूवल लेना है तो उन्होंने लेना है उसके लिए जो फंड्स जो टीम अरेंज करनी है उन्होंने करनी है तो दे दे प्ले दी सेंट्रल रोल अब उसके बाद आ जाता है रेगुलेटर जैसे अगर हम देखेंगे मैंने एग्जांपल दी स्टेट बैंक फेडरल बैंक रिज़र्व बैंक हर कंट्री में ये बैंक्स होते हैं जो कि उसको डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं उस बैंक को वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं कि आज बैंक के पास कितने पैसे हैं इसने इस बैंक ने क्या किया यू you नो know? तो दे आर वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स फिर उसके बाद जो पार्टनर्स हैं पार्टनर्स वो होते हैं कि जिनके जिनके साथ बैंक काम करता है फ़र्ज़ करें कोई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आईटी के कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके कोई और बिल्डिंग मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सारे स्टेक होल्डर हैं जो फिर आपके जिनके आप डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं ना ए टी एम किसी और का आप यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड कहीं और प्रोसेस होता है द डिफरेंट एजेंसीज कवर्ड इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ कि वो जो क्रेडिट कार्ड की डिफरेंट कंपनीज हैं आपने वीज़ा का नाम सुना होगा आपने मास्टर कार्ड का नाम सुना होगा फिर पेमेंट गेट वेज होते हैं तो पूरा एक जो बैंक का एको सिस्टम है ना इसके अंदर बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यकन कस्टमर्स हैं जो कि अपने पैसे वहाँ पर रखते हैं अकाउंट होल्डर्स हैं राइट तो उनका सबसे बड़ा स्टेक डेफिनेटली अकाउंट होल्डर का है कि हमने देखा है कि इवन अपनी ज़िंदगी में हमने मे बी यू माइट हैव हर्ड कि कुछ ऐसा भी हुआ है कि कोई बैंक बंद हो गए ड्यू टू वट एवर रीज़न और जो अकाउंट होल्डर थे इवन के रेगुलेटर कुड नाट हैल्प देम कि जो स्टेट बैंक है या गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के कानून होते हैं लेकिन वो दे कुड नाट हैल्प पीपल टू गेट देयर मनी या कई ऐसी चीज़ें और भी होती इंश्योरेंस में भी होता है जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं किसी को मिलता कुछ कुछ ना कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं जहाँ पे इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज रेगूलेशन रूल्स लॉज फिर भी वो कहीं कही ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है दे फॉल शॉर्ट इन मीटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स अब जो पूरा एक एक्को सिस्टम है बेसिकली बैंक के अंदर कि डेटा से रिलेटेड जो एथिक्स है उनको एक तो बकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है पूरे एम्प्लॉज़ को कि आपने उनको पूरा एक इंडक्शन का सिस्टम होता है कि जब कोई भी बंदा एम्प्लॉ नया बैंक में आता है दे मेक श्योर कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इवन जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं अगर वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएँ दूसरे से तीसरे में जाएँ तो उनको प्रॉपरली ट्रेंड किया जाता है क्योंकि जो एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है फिर कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि उस इंडस्ट्री की या उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसे डेटा रिटेंशन पॉलिसी है कोई आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट या रोल बेस्ड एक्सेस ये सारी चीज़ें हैं फिर उसके अलावा जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो एप्लीकेशन आपने यूज़ कर रहे हैं आप वो उनको किस तरह से आपने मैनेज करना है तो इस तरह ये पूरा एक एक सस्टम है बैंक के अंदर कि जो कि आपको गाइड करता है कंट्रोल करने के लिए आपको बताता है कि किस तरह से आपने अपने बैंक के जो ऑपरेशन हैं उनको मैनेज करना है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन बट प्रैक्टिकली वी नो के सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड दुनिया में होते हैं दे हैपन्स इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री बैंक हो गए स्टॉक एक्सचेंज हो गए या और इस तरह के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनस हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं यू नो माइक्रो फाइनेंस के अंदर फ्रॉड डजेंट रियल मीन कि वो ख़ुद कोई फ्रॉड को बैंक ने फ्रॉड की जो इंडिविजुअल किसी ने लोन लिया है फ़र्ज़ करें बैंक से या उसने बैंक से कोई इन्वेस्टमेंट करवाई है किसी प्रोजेक्ट पे इवन दे मिसबिहीव और मिस अप्रोप्रिएशन उस लेवल की भी होती हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर लेवल पे हर एंगल से हर एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है और उनके अंदर कहीं ना कहीं जो एथिकल इश्यूज़ हैं जो एथिकल वैल्यूज़ हैं दे प्ले अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल क्योंकि इवेंचुअली जो आपके एथिक्स हैं वही आपको जो कंट्रोल रखते हैं एंड टू हेल्प अवॉइडिंग एनी मिसचीप अब इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है ना इसका इम्पैक्ट सबसे या बल्कि रोल कहना चाहिए इम्पैक्ट भी और रोल भी क्योंकि जब इंसान को देखें एक रोल है बिज़नेस में जिसे कहते हैं कैरेट और स्टिक या आप किसी को इंसेंटिव दें या उसको छड़ी से डराएँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी इंसान एथिकल वैल्यूज़ से वो थोड़ा डेविएट करता है तो यहाँ आप उसे कहेंगे यार उसकी सैलरी इतनी अच्छी कर दें कि वो बंदा फ्रॉड ना करे आप उसको इंसेंटिव ऐसे दे बोनस दें या फिर उसको सजा का डर हो अगर उसको सजा का डर होगा तो वो फिर कोशिश करेगा कि वो उसको अवॉइड करे और उससे बचे तो जस्ट टू कंक्लूड ओवर केस स्टडी ऑफ यू नो ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट और वैसे भी अभी ये जो आपका कोर्स है दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट लेवल तो हम इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ों की ओरिएंटेशन दे रहे हैं कि ताकि आपको इन योर अदर कोर्सेज क्योंकि इस ये जो कोर्स है दिस इज बेसिकली दिस इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस और उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट इंडस्ट्री में उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में और ये जो बेसिकली बैंक एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि ऑलमोस्ट एवरी वन नोज़ अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री और किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में आपकी जो है उससे जो आपकी इंट्रैक्शन रहती है और इसमें भी क्योंकि बहुत सारी जो मशीनें हैं जो ऑटोमेटिकली डाटा प्रोड्यूस करती हैं और वो फिर वो डाटा आप लोगों ने मैनेज करना है फिर उसको आपने यू नो कंट्रोल करना है सो जस्ट टू कंक्लूड दिस सेशन क्योंकि ये हमारा जो एथिक्स uh, का जो सेगमेंट था ये उसका लास्ट सेगमेंट है उसका लास्ट मॉड्यूल है और मैंने कोशिश ये की है कि सारी चीज़ों के बाद क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें एक ही जो कोर इशू है दैट इज़ एथिक्स और उसको हमने डिफरेंट एंगल से 360 डिग्री से कोशिश की है कवर करने की और इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड या यू विल एग्री कि ये एज ए ह्यूमन बींग मेरी आपकी हर बंदे की वो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सेक्टर में उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोशिश करे कि अपनी एथिकल वैल्यूज़ अपनी रिलीजस वैल्यूज़ और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ पे वो काम करता है उनको वो ऑब्जर्व करे एंड ट्राई टू बी अ गुड प्रोफेशनल थैंक यू